आज इंदौर में डायबिटीज़ इंडिया की राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ मैं शामिल हुआ हूँ और यह 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है बहुत ही उपयोगी है और हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, रूरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सभी के लिए इसमें बहुत अच्छे मैसेज दिए गए हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कैसे उनका निदान किया जाए, कैसे उनका उपचार किया जाए और कैसे उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जाए। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रैक्टिशनर से और हमारे आम जनता से कि जब भी आपको ऐसा कोई लक्षण लगते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना या वज़न घटना या किसी प्रकार की चोट का जल्दी नहीं भरना, तो ऐसे में ज़रूर अपना ब्लड शुगर चेक कराएं और कोशिश करें कि वो आपको निदान हो सके कि ऐसे लक्षण क्यों रहे हैं। और जहाँ तक डायबिटीज़ के लक्षणों की बात हमने की, इसके पश्चात कोशिश करना चाहिए कि डायबिटीज़ से हम आम जनता को बचा सकें। तो मैं अपने प्रैक्टिशनर से ये कहना चाहूँगा कि वे ज़रूर आम जनता को ये शिक्षित करने की कोशिश करें कि प्रतिदिन लगभग 30 से 40 मिनट का व्यायाम जरूर करें। सिंपल साधारण तौर पे अगर तेज़ चाल से भी चलते हैं 40 मिनट प्रतिदिन और हफ्ते में करीब करीब 150 मिनट चलें तो भी वह सफिशिएंट होगा, उपयोगी होगा। इसके अलावा खाने पीने में ज़रूर परहेज रखें, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें, सादा भोजन जो कि हमारा ट्रेडिशनल भोजन रहा है वो ही करें, मोटे अनाज का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, मानसिक तनाव कम से कम रखें और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, वो नियमित रूप से ज़रूर करें। अगर एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका नियमित रूप से उपचार कराएं किसी भी अधिकृत चिकित्सक से जो कि इसकी जानकारी रखता हो, उससे ज़रूर समय पर उपचार कराएं। और कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस, उसका प्राथमिक उपचार, प्रारंभिक उपचार और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसका प्रयास हर डायबिटीज़ के मरीज को या जो डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, जो उनका इलाज कर रहे हैं, उन चिकित्सकों को ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।